स्वागत है आपका मधुरा फूड चैनल पे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम बनाने वाले हैं उड़द के पापड़। ये सामग्री का लिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले हम उड़द का 1 किलो आटा ले लेंगे। आटा को छान लेंगे। एकदम बारीक आटा है, उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे 50 ग्राम। ये नमक 50 ग्राम। ये लहसुन पिसी हुई 50 ग्राम। और ये मिर्ची, हरी मिर्ची 50 ग्राम। अब लहसुन और मिर्ची की जगह पे लाल पापड़ बनाने हैं तो काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 50 ग्राम और जीरा 50 ग्राम डाल सकते हो तो लाल पापड़ बनेंगे उसकी जगह पे। और ये पानी 400 ml। आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। एकदम ठीक डो तैयार करना है इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएंगे। 400 ml से कम लेकिन ज्यादा नहीं, ऐसे मिक्स करते जाएंगे। आप लिज्जत पापड़ भी बना सकते हो। इसमें हमने लहसुन और मिर्ची डाली, उसकी जगह पे काली मिर्च डाल सकते हो तो लिज्जत जैसे ही लगते हैं। काली मिर्च का एकदम बारीक पाउडर। इसमें बहुत सी चिकनाहट होती है तो दिक्कत होगी। पानी को पहले से उबाल लेंगे, एकदम ज़्यादा उबालेंगे। उसके बाद ठंडा होने के बाद हम पानी को यूज़ करना है। उबला हुआ पानी ही यूज़ करेंगे। हम ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ताकि वो खाने में आसानी रहे हमको। ये टाइल्स के ऊपर ऑयल लगा, टाइल्स को बराबर साफ कर लिया था, उसके बाद ऑयल लगा लेंगे। आप सिल पट्टे में भी कर सकते हो, आपके पास सिल पट्टा हो तो बहुत अच्छा, उसमें भी बहुत आसानी से आप ऐसे कान सकते हो। यह स्टेप मिस नहीं करना है, मिस हो ही नहीं सकता है। मेन पार्ट है इसका जो हम हाथ से नहीं कर सकते। और ये दस्ते में भी ऑयल लगाते जाएंगे क्योंकि ये चिकनाहट उसमें लगेगी। आप घर पे 2 जन हो तो आसानी से कर सकते हो अल्टरनेट करके।
ऐसे एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। ऑयल लगाते जाएंगे। अब ये हमारा थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है, इसलिए अभी ये रेडी हो गया है। कॉर्नर को अंदर ले लेंगे। अभी हाथ में ऑयल लगा के उसको खींचते जाएंगे। ऐसे खींचना है। ये उड़द चिकना होता है तो ये च्युइंगम के जैसे ही एकदम खींचेगा। पांच से छह मिनट तक कंटिन्यू उसको खींचते रहना है। आप घर के सदस्य की हेल्प ले सकते हो। और जिस दिन ये पापड़ बनाए ना, उस दिन एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली सब एक्सरसाइज हो जाते हैं। कश्मीरी मिर्च डालते हो तो ऐसे पूरा ये लाल दिखता है आटा। अभी ऐसे रोल कर लेंगे। मस्त दबा दबा के उसको मस्त ऑयल लगा के ये देखो कितना मस्त तैयार हो गया। अब इसकी लुइया तैयार करेंगे। उसको ये धागे से, जो नायलॉन का धागा आता है कड़क, उसको बेलन में बांधा है एक साइड और दूसरी साइड ऐसे खींच के ऐसो कट करते जाएंगे। नहीं तो आप नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हो। यह लुइया को हवा के संपर्क में नहीं आने देना है, इसलिए डब्बे में स्टोर करेंगे। यह रीत बहुत पुरानी है। ऐसे पहले सब पापड़ बनाते थे तब ऐसे कटिंग करते थे। वैसे भी हम ऐसे ही करते हैं। कटिंग हो जाने के बाद हाथ में ऑयल डाल के उसको ऐसे दबा देंगे ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। और ये जो डीच आती है पापड़ बेलने की, स्पेशल आती है एल्यूमिनियम की, उसके ऊपर ऐसे लोई रख के ऑयल लगा के ऐसे बेलते जाएंगे। बहुत आसानी से वो बेल जाती है। आप दो जन होंगे तो 2 कलाक में 1 किलो पापड़ हो जाएंगे बेल के। अकेले होंगे तो ज्यादा टाइम लग सकता है। अभी इसको धूप में सुखाने के लिए रखे हैं। एक साड़ी के ऊपर या तो फिर आप प्लास्टिक के ऊपर रख सकते हो।
ऐसे धूप में सुखाने के लिए 5 घंटे तक रख देंगे, या तो फिर आप फ्रिज में स्टोर करना है तो 1 घंटा बहुत हो गया। ये बाहर ही स्टोर करेंगे डिब्बे में, इसलिए 5 घंटे तक सुखाया है। एकदम मस्त कड़क हो गए ये लाल पापड़ बनाए थे सूखी मिर्च वाले। अब इसको फ्राई करेंगे ये लहसुन वाले। इसको आप ऐसे भी सेक सकते हो डायरेक्ट गैस पे, या तो फिर अंगार में भी मस्त लगता है। अंगार में जब सेकेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत मस्त आएगा। ये सूखी मिर्च वाले पापड़ है, इसकी सब्जी मस्त लगती है, जॉनियन के साथ बनाते हैं ना वो। ये रेड वाले पापड़ की अच्छी लगती है। फटाफट फ्राई हो जाते हैं। ये हमारे तैयार है उड़द के पापड़। ये देखो कितने मस्त पतले पतले। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखो तुरंत ही टूट जाते हैं। और ये इतने पतले है कि हाथ में पकड़े तो ये टूट जाते हैं। Thank you.